दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये जो प्यार होता है ये दिल से होता है या दिमाग से? दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि प्यार दिल से ही होता है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मुझे विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। दोस्तों, अब बिना किसी इंट्रो की वीडियो शुरू करते हैं और आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरह से ये तो पता है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये सभी ज्ञानेंद्रियाँ प्यार होने में और प्यार करने में आपकी अपनी अच्छी भूमिका निभाती है। दोस्तों, हम ज्ञानेंद्रियों की गहराई में नहीं जाएंगे, बस इसके कुछ हिस्सों को लेकर प्यार होने की कनेक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम उदाहरण के तौर पर पहली नज़र की प्यार को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप अपने मोहल्ले के रास्ते से गुजर रहे हैं और सामने से एक लड़की आ रही है। वह लड़की बहुत खूबसूरत है। देखिए, इस बात को आप जरा गौर से समझिए। लड़की बहुत खूबसूरत है, यह बात मैं बोल रहा हूँ, ना कि आप। तो आप कब बोलेंगे कि लड़की खूबसूरत है? दोस्तों, बोलेंगे से मतलब है अपने मन को बोलेंगे, ना कि लड़की को। अगर आप लड़की को बोलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत है तो यह बाद की बात हो जाती है, क्योंकि कुछ ही सेकेंड में आपके दिमाग के साथ कई प्रकार की बहुत केमिकल रिएक्शंस हो चुकी होती है। चलिए इस चीज को गहराई से समझते हैं। आप रास्ते से जा रहे हैं और सामने से आ रही लड़की को अपनी आंखों से देखते हैं, ना कि दिल से। फिर आपका आंख सामने आ रही लड़की को आपका आंख ऑब्जर्व करके पूरी इन्फॉर्मेशन को दिमाग के पास भेजता है और फिर आपके दिमाग के पूरी डेटा के साथ स्कैन होता है और तब फिर दिमाग ये कंक्लूजन निकालता है कि लड़की बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, ये चीज़ें दिमाग के अंदर बहुत ही तीव्र गति से होती है। और अब मान लीजिए कि उस खूबसूरत लड़की से पहली नज़र में प्यार हो जाता है, क्योंकि वह लड़की बहुत खूबसूरत है। और इस पहलू को गहराई से समझते हैं। जब आप उस खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ही मिनी सेकेंड में एक अट्रैक्शन पैदा होती है और आपके दिमाग में डोपामाइन, नॉरपाइनफेरिन, एड्रेनलिन और कई प्रकार के 12 केमिकल्स का विस्फोट होता है, जिससे आप उस लड़की की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो पहली नज़र का प्यार होता है, यह सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन ही होता है। भले ही बाद में चलकर प्यार में बदल जाए, लेकिन ये शुरू में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वीडियो के मुद्दे से और कहीं चला गया है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ जाकर रुकती है। दोस्तों, अब मान लीजिए किसी से आप प्यार करते हैं, ठीक है, और आप जिससे प्यार करते हैं उसे याद करना है तो आप शरीर के किस अंग की वजह से याद कर पाएंगे? तो सीधी सी बात है कि आप दिमाग से याद कर पाएंगे, क्योंकि आपके जिंदगी में क्या बीता है, क्या हुआ है, किससे आप प्यार करते हैं, किससे आप नफरत करते हैं, कौन आपका भाई है, कौन आपकी बहन है, कौन आपकी माँ है, कौन आपका पिताजी है, यानी कहे तो आपके जिंदगी के हर पलों को और हर इमोशन और सभी यादें आपके दिमाग में रहता है। दोस्तों, भले ही कहने के लिए कह सकते हैं कि प्यार दिल से होता है, लेकिन असल जिंदगी का सच आपके दिमाग में है। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहूँगा। बात यह है कि अगर प्यार सच में दिल से होता है तो जो इंसान सच में पागल हो जाता है वह प्यार को कभी नहीं भूलता, क्योंकि दिल उसका बिल्कुल ठीक ही रहता है। अब दोस्तों, आप लोगों को मन में एक सवाल जरूर आ रही होगी कि प्यार दिमाग से होता है तो दिल क्यों जोरों से धड़कने लगता है?
तो दोस्तों यह बात मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं कि दिल क्यों जोरों से धड़कने लगता है किसी से प्यार करने वाले के पास जाते हैं तो। उस वीडियो का नाम है प्यार में इंसान पागल क्यों हो जाता है। वह वीडियो आपको ऊपर आ रहे आइकॉन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वह वीडियो आप जरूर देखिए तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि दिल क्यों जोरों से धड़कने लगता है। और साथ में यह भी आपको पता चल जाएगा कि इंसान प्यार में क्यों पागल हो जाता है। दोस्तों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्यार दिल से होता है कि दिमाग से। और आप अभी भी किसी सवाल को लेकर परेशान हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके सवालों को जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो प्यार एक ऐसा पहलू है जिसे पूरी तरह समझने में जिंदगी खत्म हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।